आम का बगीचा जिसमें फल आना शुरू हो गया है, मतलब फूल आना शुरू हो गया है। बहुत बड़ा बगीचा है ये, आप देख सकते हो। क्या एडवेंचर है भाई इधर पे। तो यहाँ पे कपल जोन भी बनाया गया है, आप देख सकते हो हमारे पीछे कपल जोन। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं फिर से एक न्यू अनदर वीडियो में। आज मैं आया हूँ कोलकाता शहर से 40 किलोमीटर के दूर पे बसे नेहाटी शहर। नेहाटी स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर बना नाइस पार्क, जो ममूदपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, एक ग्रामीण एरिया में एक एडवेंचर। ये आप देख सकते हो पूरा ग्रामीण एरिया है ये। कोलकाता शहर से एक दिन के ट्रिप पे आप इधर आ सकते हो और पिकनिक वगैरह कर सकते हो। आप देख सकते हो पूरा ग्रामीण एरिया है वेस्ट बंगाल के। यहाँ से मैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर नाइस पार्क बोल के इको पार्क के जैसा एक एडवेंचर पार्क बनाया गया है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। यहाँ से पैदल पैदल वहाँ जा देख सकते हो। हम वेस्ट बंगाल के गांव एरिया में हैं, ये लगा हुआ है पूरा एक नया एडवेंचर। आप लोगों को दिखाने आया हूँ वेस्ट बंगाल का गांव एरिया। ये ममूदपुर बोल के कोई गांव है, उधर ही मैं आया हूँ अभी। यहाँ देख सकते हो लौकी का खेती लगाया गया है, पूरा पूरा ग्रामीण एरिया है ये। आप देख सकते हो पूरा सन्नाटा, कितना शांति लग रहा है भाई। ये चीज देखा तो ये देखो भाई, अगर आप कोलकाता शहर में घूम घूम के पूरा बोर हो चुके हो तो ग्रामीण एरिया भी आ सकते हो। ठंडा मिजाज, कैसा शांति एरिया है देखिए। अगर आप भीड़ भाड़ और फैक्ट्री और गाड़ियां से बोर हो चुके हो, तंग आ चुके हो कोलकाता शहर में, तो आप ये ग्रामीण एरिया आके घूम सकते हो। एक अलग एडवेंचर मिलेगा इधर आने के बाद आपको। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वेस्ट बंगाल का विलेज लाइफ, देखो ग्रामीण एरिया कैसा रहता है इधर। तो फाइनली दोस्तों, हम चलते जा रहे थे रास्ता में तो मुझे आम का बगीचा देखने को मिला है। देख सकते हो आम का बगीचा जिसमें फल आना शुरू हो गया है, मतलब फूल आना शुरू हो गया है। बहुत बड़ा बगीचा है, आप देख सकते हो। क्या एडवेंचर है भाई इधर पे। आम का पेड़, बहुत बड़ा बगीचा। तो फाइनली भाई लोग, हम पहुंच चुके हैं नाइस पार्क के पास। यहाँ आप देख सकते हो उसका टिकट काउंटर है, यहाँ का टिकट आप लोग देख सकते हो। हम नाइस पार्क नेहाटी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो उधर से एंट्री करने का गेट है सामने से, इसका टिकट प्राइस 40 रुपये है। उसके बाद यहाँ पे अंदर आने के बाद मुझे एक एडवेंचर वाला चीज़ दिखा है, ये दिखा। इधर से एंट्री करने के बाद क्या है पता नहीं, दिखाते हैं आप लोगों को। बने रहे घर जैसा कुछ है, सीढ़ी। अंदर एंटर करने के बाद ये आप देख सकते हो कुछ अलग एडवेंचर का बना हुआ, ये गुफा जैसा। इधर से भी निकल सकते हो, इधर से भी निकल सकते हो, इधर से निकल के देखते हैं क्या सीन है। इधर बोटिंग एरिया बनाया गया है भाई नाइस पार्क के। इधर लग रहा है नाइस पार्क का बोर्ड लगा हुआ, आई लव नाइस पार्क। चलिए चलते हैं उधर। और तो फाइनली दोस्तों, वो गुफा से निकल के मैं आया तो इधर आ गया है, आप देख सकते हो हमारे पीछे पार्क। जल परी बनाया गया है, देख सकते हो आप। Thank you.
I love nice park. अगर आप कोलकाता शहर में घूम घूम के बोर हो चुके हो, कोलकाता शहर में उब चुके हो, तो कोलकाता शहर से वन डे ट्रिप पे आ सकते हो उधर घूमने के लिए, अपना फैमिली के साथ अकेले भी आ सकते हो रेस्ट करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग तो घर से 12 बजे ही निकल गए थे, इसलिए हम लोग को भूख लग गया इस पार्क के अंदर। 3:30 बज रहा है, इस पार्क के अंदर एक छोटा सा स्टॉल मिला, वहीं से हम लोग ले रहे हैं वेज पैटीज, 30 रुपये करके पड़ा है। आप देख सकते हो दुकान, आयात स्टोर हलाल मीट, मतलब इस पार्क के अंदर भी आपको हलाल मीट मिल जाएगा, टेंशन नहीं करने के इधर आने से पहले। और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है इस पार्क के अंदर हमें। ये देखो भाई, हम लोग का भेज पेटीज रेडी कर रहा है भाई, जान मतलब अपना बिरादरी का लड़का मिल गया इधर। टेंशन नहीं, इधर आएगा तो खा सकते हो बिंदास कुछ भी, रिजनेबल प्राइस में देता है भाई पूरा। अभी गर्म कर रहा है भाई, उसके बाद हम लोग खाएँगे। फाइनली भाई लोग हमारा वेज पेटीज आ गया है, ये देखिए खाते हैं इसको, बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। टेस्ट मोटा मोटी ठीक है, भाई ने गरम भी बहुत अच्छा से किया था। अच्छा लग रहा है, भूल भुलैया मतलब इको पार्क के जैसा बनाने का कोशिश किया गया है, ये देख सकते हो आप। इको पार्क जो है ना, सेम उसी तरह उतारने का कोशिश किया गया है। नली दोस्तों हम देख सकते हैं घूम रहे इसके अंदर, प्लस 7D सिनेमा है, 7D सिनेमा। देखो भाई इधर पे जेंट्स टॉयलेट लेडीज टॉयलेट सब बनाया गया है, कितना हगना नहीं हगना सब बता दो। भूतिया हवेली के बगल में ये देख सकते हो आप, भूतिया हवेली का अंदर दिखाते हैं आप लोग इसके अंदर क्या क्या है। तो फाइनली भाई लोग 40 रुपये करके भूतिया हवेली का टिकट ला जाते हैं इसके अंदर। ये देखो पूरा बंगला लिखा हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वीडियो इधर बाहर कर सकता हूँ ना, बाहर करके आता हूँ अंदर। 20 रुपये का 40 रुपये का टिकट लिया है, और कोई लिखा हुआ नहीं है वीडियो वीडियो अंदर करना है या नहीं, लेकिन बोल रहा वीडियो अंदर करना बनना है और सब वीडियो करता है।
हो गया। ये मेरा असद भाई देखो पूरा फुल मौज में है, एकदम गुस्सा में है, पता नहीं क्या चीज़ गुस्सा में है। भूखा आदमी दो बार खिला चुके हैं इस पार्क के अंदर, फिर भी बोल रहा है और भी खाना खाएगा। कितना खाएगा भाई? सबसे भूख मिटता है। क्या चीज़ से भूख मिटता है? खाना से। देखो भाई यहाँ पे आओगे आप तो भाई पैसा एडवांस मिलेगा आदमी, क्योंकि अंदर का 40 रुपये एंट्री फीस है, उसके बाद जहाँ जाओ 20 रुपया 40 रुपये सब चीज़ का अलग से चार्ज लेता है। तेजी से ध्यान दें आप। ये देखो भूल भुलैया, इसका भी टिकट चार्ज होगा कुछ ना कुछ, देखते हैं क्या सीन है इसका। भूल भुलैया इसका अंदर जाते हैं भाई, देखते हैं। हाँ चलो ना, ये भूल भुलैया ये नाइस पार्क का नाइस रेस्टोरेंट है। तन्हा बदन तेरे बिन ना भी लग गया, तेरे बिन ना भी। हेलो, यहाँ पे कपल जोन भी बनाया गया है, आप देख सकते हो हमारे पीछे कपल जोन पीछे। अभी फिलहाल शायद बंद है ये कपल जोन, देख सकते हो गेट को बंद करके रखा है। पिकनिक स्पॉट एरिया है, यहाँ पे आप पिकनिक करने के लिए आ सकते हो। पिकनिक करने के लिए इसका चार्ज लगता है शायद अलग से, मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन जिस तरह से बनाया गया है लगता है कि यहाँ पिकनिक करने के लिए चार्ज पे करना पड़ेगा आपको कुछ। ये पिकनिक स्पॉट एरिया है, ज़्यादा बड़ा में नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हम पूरा पार्क घूम लिए हैं, कोई ख़ास बड़ा नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हमने ये पूरा पार्क घूम लिया है। शुक्रिया दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को। अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।